अगर आपके घर में भी कोई नौकर है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कब नौकर की नीयत और ईमान खिसक जाए और कब मालिक को चूना लगा दे ये कोई नहीं जानता। औरैया जनपद के बिधुना कोतवाली में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना में लगभग 25 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने चोर की को चोरी के जेवरातों के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो अपने मालिक कोटेदार के पुराने घर में रहता था और घर के काम करता था। घटना वाले दिन वो मालिक के लड़के के साथ फरुखाबाद निकला, लेकिन कन्नौज से वापस देर रात आकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और सुबह फिर से कन्नौज पहुंच गया। ये थाना विदुना क्षेत्र अंतर्गत 19/6/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि राशन डीलर अंजनी कुमार दीक्षित, जो ग्राम कुदरकोट की रहने वाले हैं, चौकी क्षेत्र कुदरकोट में, इनके द्वारा सूचना दी गई कि 18/19 की रात्रि ये लोग घर पे नहीं थे तो इनके घर का किसी ने छत से चढ़ के और ताला खोलकर और लगभग 25 लाख के हीरे, ये सोना और चांदी के जेवरात जो हैं चुरा लिए। तो इस पर जो है हमने लगातार पूछताछ की जा रही थी, तो घटना क्योंकि ताला खोल कर थी तो काफ़ी संदिग्ध जिसमें लोगों से पूछताछ की गई। तो कुछ लोग जो इनके साथ काम करते थे पहले से उनसे भी पूछताछ की गई, तो निकल के आया कि अभियुक्त गोविंद दीक्षित, जो इनके लिए कोटेदारी में इनका कुछ सहयोग करते थे और इनके पुराना एक मकान है कुदरकोट में ही, उसी में ये रह रहा था ये व्यक्ति गोविंद दीक्षित, इसके द्वारा जिस दिन 18/19 के दिन राशन डीलर अंजनी कुमार अपने बेटे के साथ छिबरा मऊ गए थे अपनी इनकी पुत्री को लाने वहाँ से, तो ये साथ में गया गोविंद दीक्षित और वहाँ पे बहाना किया कि मैं अपने भतीजे को लेके जा रहा हूँ, ताकि पूरी भूमिका ये बने कि ये भी इनके साथ छिबरा मऊ में थे। पर जो बाकी फिर तफ्तीश की गई तो इसमें पता चला कि ये लगभग 8 बजे औरैया वापस आए और इन्होंने रात को 2 बजे इस घटना को कारित किया और घटना कारित करने के बाद सुबह 4 बजे तक वापस छिबरा मऊ चले गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/